갑자기 내게 나타나죠 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 Students start कर दे similarity का fifth part that is angle bisector theorem. So welcome to the next theorem students. हमने last वाले इसके last के videos में हमने देख लिया है दो theorem हमने कर लिया है पहला कौन सा theorem किए थे theorem of area of similar triangle और उसके बाद से theorem of ratio of area of similar triangle किए थे उसके बाद से second theorem हमने BPT theorem भी कर लिया है और हमने 1.1 भी कर लिया है आज हम लोग 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें दो थ्योरम और दो एक थ्योरम देखना है हमें डेट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और उसके बाद से हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ना है डेट इज थ्री पैरेलल लाइंस ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा थ्योरम जो भी देखो हमारा थ्योरम का नाम क्या है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल क्या है हमारे थ्योरम का नाम प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर आपको पता ही रहेगा कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है एंगल बाइसेक्टर मीन्स अगर मैं कोई भी यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करते ओके आप देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया अगर यहाँ पे ये मान लो ये एंगल है अगर इस एंगल को मैं इक्वली पार्ट में डिवाइड करता हूँ ठीक है इसको मैंने इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये क्या होता है हमारा एंगल बाइसेक्टर ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है ये एंगल को हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर ओके होप सो आपको समझ गया लगा कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है तो हमें एंगल बाइसेक्टर का ये एक प्रॉपर्टी एक थ्योरम है हम आज वो सीखने वाले की वो थ्योरम है क्या ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरम अब थ्योरम का देखो स्टेटमेंट क्या है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या बोला है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल किसी भी एक ट्रायंगल का जब बाइसेक्टर लेंगे डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल वो क्या करने वाला है अपोजिट साइड को डिवाइड करने वाला है इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड अब देखो मैं आपको बताता हूँ डायग्राम में कैसे बोला था द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया हमने ओके तो पहला देखो स्टेटमेंट क्या बोला था बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मैं मान लो इस एंगल से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ ओके मैंने क्या कर दिया एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल तो इस एंगल के अपोजिट साइड दिख रहा है ये वाला है ना साइड उसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस ठीक है समझा क्या था कोई भी एक एंगल हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो वो अपने अपोजिट साइड जिसपे डिवाइड कर रहा है उसको प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा किसके प्रोपोर्शन में टू द रिमेनिंग साइड के प्रोपोर्शन में ओके मींस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस ठीक है चलो अभी देखते हैं हमारा इसमें क्या लिखा था वापस स्टेटमेंट में आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखा है देखो द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल का बाइसेक्टर लेंगे तो वो क्या करता है डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल जो एंगल के अपोजिट में साइड है उसको डिवाइड करता है देखो यहाँ पे डिवाइड कर देना ए अपॉन ई बी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना तो डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड मतलब इसका रेशियो लेंगे ए अपॉन ई बी वो किसके इक्वल होगा ए सी अपॉन सी बी ओके तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम था तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारा गिवन में क्या लिखेंगे देखो कि इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल एबीसी है ये ऊपर का कंस्ट्रक्शन पार्ट है हाँ ये अभी आप ध्यान मत दो अभी सिर्फ ट्रायंगल पे ध्यान दो आप हमने क्या देखा था इन ट्रायंगल एबीसी एक दिख रहा है एबीसी नाम का एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इस एंगल सी का बाइसेक्टर पता बताया था मैं आपको कि इस एंगल सी का बाइसेक्टर क्या है तो देखो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट द ए बी एट पॉइंट ई जो एंगल सी का बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है ए बी को कट कर रहा है किस पे कट कर रहा है ई पे बस इतना ही हमें दिया था तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे ओके अब टू प्रूफ क्या करना था हमें यहाँ पे बोला था ना हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये लाइन को डिवाइड कर रहा है जो ये एंगल से बाइसेक्टर निकल रहा है वो अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है इन द प्रोपोर्शन ऑफ रिमेनिंग साइड ठीक है मतलब ए अपॉन ई बी दिख रहे यहाँ पे ए अपॉन ई बी याद रखो जहां से एंगल बाइसेक्टर डिवाइड होता है जिस साइड को कट करता है उसका रेशियो ले लेते हैं दैट इज ए अपॉन ई बी ले लिया किसके इक्वल टू होना चाहिए अगर देखो मैंने पहले ए लिया था ना तो मैं इसके बाजू वाला साइड लूंगा ए सी ठीक है मैंने क्या लिया सी ए या फिर ए सी लिख सकते हैं अपॉन अब दूसरा ई बी लिया था ना तो इसका रिमेनिंग साइड इस साइड वाला कौन सा है बी सी या फिर सी बी क्लियर हो आपको ये फॉर्मूला कैसे बनने वाला है जिस अपोजिट साइड पे डिवाइड करता है उसका रेशियो ले लो अगर मान लो मैं ए अपॉन ई बी लेता हूँ ठीक है क्या ले लिया ए अपॉन ई बी तो पहले मैंने ए लिया था
तो मैं इसका पहला साइड लूंगा, ठीक है, ए लिया था तो इस साइड कौन सा रहेगा हमारा, ए सी रहेगा, ठीक है। दूसरा मैंने ई बी लिया था तो इसका साइड रहेगा, दैट इज सी बी, क्लियर हुआ। अगर मैं पहला लेता हूँ ई बी अपॉन ई ए तो मेरा कौन सा आएगा, बी सी अपॉन सी ए सी, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें हमें छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना है। अभी देखो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू द सी, ये जो दिख रहा है सी, इससे पैरेलली, पैरेलली मतलब हमें यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर बताओ पैरेलल लाइन ड्रॉ करना तो हमें यहीं से लाइन ड्रॉ करना, पर दिख रहा है मैंने डॉट 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 करके एक लाइन ड्रॉ किया है। आगे देखो, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ पैरेलल टू रे सी पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, एक सी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन कहाँ से पास होना चाहिए, बी से, ठीक है। दिख रहा है आपको बी से लाइन पास हो रहा है ना, एक्सटेंड ए सी, और क्या बोल रहा है, इस ए सी को भी एक्सटेंड करो, ओके okay, क्या करना है हमें, इस ए सी को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करना है सो एज इट टू इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट डी। सो जो यहाँ से लाइन को हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं, और ये जो लाइन पैरेलल ड्रॉ की, तो वो कहाँ पे जाके मिलेगी एक दूसरे से, डी पे, समझा आपको कंस्ट्रक्शन। वापस देखो क्या बोला था, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी ई, ये जो रे सी ई दिख रहा है आपको एक लाइन, उस सी ई से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है आपको, कहाँ से ड्रॉ करना है, बी से, ठीक है। अब आप मान लो बी से एक लाइन ड्रॉ करते हुए जा रहे हो यहाँ से, और क्या बोल रहा है कि इस एसी लाइन को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड मतलब उसको और बढ़ाओ, जब आगे बढ़ाओगे तो वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट करेंगे, डी पे, ओके क्लियर हुआ आपको इतना पार्ट, देख लो एक बार। अब यहाँ पे हमने देख लिया स्टेटमेंट क्या था, गिवन कैसे लिखा हमने, टू प्रूफ कैसे लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखा। अब इसका मेन पार्ट आता है, दैट इज प्रूफ। अब आप याद रखो प्रूफ में टोटल देखो सिक्स पार्ट है इसके, सिक्स पार्ट देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे सिक्स पार्ट है जो उसका लास्ट पार्ट है, ओके। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आप याद रखो मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, देखो पहले देखो ये सी ई पैरेलल किससे है, डी बी से पैरेलल, हमने ऑलरेडी बोला था यहाँ पे कि ये जो लाइन था उससे हमें एक पैरेलल लाइन लेना था, तो ये सी ई से किससे पैरेलल है, डी बी से पैरेलल है, तो हम लोग वही लिखेंगे रे सी ई, दिख रहा है आपको ये सी ई लाइन किससे पैरेलल होना चाहिए, रे बी डी से, रे बी डी से क्या हो पैरेलल है, ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्शन में बोला था। एंड हमें ट्रांसवर्सल किसको लेना है, ए डी इज ट्रांसवर्सल, ए डी देखो कहां पर है, ए डी दिख रहा है आपको, ये लाइन पैरेलल है और हमने इसको ट्रांसवर्सल लिया है। मैं आपको इसको अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखो हमने क्या लिया था, ये हमारा सी ई हो गया, ओके ये हमारा सी ई हो गया, और यहाँ पे क्या हमारा बी डी, यहाँ पे आया हमारा क्या बी डी, दिख रहा है यही लाइन है ना आपको, उसके बाद से क्या बोल रहा है, यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रही है, उसका नाम क्या है ए, और ओके ये हमारा क्या उसका नाम हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया। अब देखो दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना एक दूसरे के, पढ़े रहेंगे हमने, अगर दो कभी भी लाइन पैरेलल होती है तो इसमें अगर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते तो तीन टाइप के एंगल बनते हैं, जो ऊपर ऊपर के एंगल सेम होते हैं, दैट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल, आपको याद होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, याद है आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ऊपर के एंगल सेम होंगे, नीचे के नीचे के एंगल सेम होंगे, वैसे ही सेम इस साइड के ऊपर के और इस साइड के ऊपर का सेम होगा, नीचे का और नीचे का सेम होगा। और इसमें ही एक और बनता है, अगर अगेन पैरेलल लाइन लेते हैं तो इसमें एक बनता है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल मतलब यहाँ पे जेड बनता है, ओके याद है आपको जेड बनने वाला, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, फिर उल्टा जेड बनाओ, ये एंगल अभी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल, क्या बोलते हैं उसको अल्टरनेट एंगल। और वैसे ही अगर अगेन पैरेलल लाइन लेते हैं तो इसमें इंटीरियर एंगल बनता है, ये एंगल और ये अंदर का एंगल प्लस करके कितना होगा 180 डिग्री, याद है इंटीरियर एंगल, वैसे ये एंगल और ये एंगल प्लस करके कितना होगा 180 डिग्री। होप सो आपको सारे याद रहेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पर यही देखा, यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, जो रे हमारा सी ई है, ये जो सी ई है किससे पैरेलल है, डी बी से क्या है पैरेलल है, और किसको ट्रांसवर्सल लिया हमने, ए डी को, ये जो दिख रहा है ए डी, इसको ट्रांसवर्सल लिया। अब जब इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो देखो यहाँ पे कौन सा एंगल बन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था, तो यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल के इक्वल होगा ना, कैसे इक्वल, देखो ये पैरेलल लाइन था ओके और ये ट्रांसवर्सल पास हुआ है, तो ऊपर का एंगल और इसके ऊपर का एंगल दोनों सेम होगा। देखो नाम कैसे लिखेंगे इस एंगल का, एंगल ए सी ई, क्या लिखा हमने, ए सी ई इज इक्वल टू सी डी बी, सी डी मतलब सी डी बी, समझा आपको कैसे लिया हमने वाला एंगल। अगेन मैं आपको बताता हूँ किसको इसको पैरेलल लिया था हमने, सी ई को पैरेलल लिया
और BD को पैरेलल लिया, और इस लाइन को हमने क्या लिया, ट्रांसवर्सल। तो दिख रहा है पैरेलल लाइन के ऊपर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, वो दोनों एंगल एक दूसरे से क्या होगा, सेम होगा। अब इसका नाम लिखो, नाम क्या होगा, ACE लिख दिया हमने। इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, CDB एंगल, और रीजन क्या रहेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और इसको नंबर आपको क्या देना है, फर्स्ट नंबर। ओके, नाउ अभी सेकंड में आते हैं, वापस सेम हमें इसी लाइन को पैरेलल लेना है, CE पैरेलल टू DB, सॉरी BD, ये CE पैरेलल टू BD, सेम जो ऊपर लिया था उसको ही नीचे भी लेना है। बस हमें चेंज क्या करना है, इस बार हमने पहले वाले में हमने AD ट्रांसवर्सल लिया था ना, इस बार हमें इस BC को ट्रांसवर्सल लेना है। देखो पहले ये पैरेलल था, हमने इसको ट्रांसवर्सल लिया, अब अगेन इसी को पैरेलल लेना है और इसको ट्रांसवर्सल लेना है। ओके, तो देखो आप यहाँ पे रे CE पैरेलल टू रे BD, ये CE किससे पैरेलल हो गया, BD से, और BC इज ट्रांसवर्सल, ये जो BC लाइन है उसको हमने क्या ले लिया, ट्रांसवर्सल। अगर देखो अभी BC ट्रांसवर्सल है तो इसमें हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, देखो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा CE दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो गया BD, और ये क्या हो गया CE, और इसको ट्रांसवर्सल लिया ना हमने, दिख रहा है आपको ये CE हो गया, ये BD हो गया, यहाँ पे दिख रहा है CE BD, और इसको ट्रांसवर्सल दिख रहा है आपको, Z बन रहा है यहाँ पे, तो कौन सा ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा ना, देखो तो इसमें कौन सा एंगल होगा, देखो ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के, कैसे, देखो जेड बन रहा है ना आपको, यहाँ पे जेड बन रहा है, तो कौन सा एंगल बनेगा, देखो वहाँ पे एंगल ECB किसके इक्वल होगा, वो वाला एंगल CBD के, इसका नाम क्या हो जाएगा CBD, और रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल, जब जेड बनता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, अल्टरनेट एंगल। क्लियर हुआ आपको ये, अगेन मैं बताता हूँ हमने किसको पैरेलल लिया सेकंड टाइम में, इसी लाइन को CE पैरेलल टू BD, और इस बार किसको ट्रांसवर्सल लेना है, इस लाइन CB को ट्रांसवर्सल लेना है। ओके, CB को ट्रांसवर्सल लिया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है, दिख रहा है आपको ये जेड बनता हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ECB किसके इक्वल होगा, वो CBD के, और रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल। क्लियर हुआ आपको इतना पार्ट। ओके, तो हमने कौन कौन सा दो पार्ट हमने यहाँ तक देख लिया था। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या देखना है कि देखो यहाँ पे अब थर्ड पार्ट में ऑलरेडी हमें दिया हुआ था कि ये जो लाइन CE है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ओके, ये जो लाइन दिख रहा है आपको CE वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर था, एंगल ACB का एंगल बाइसेक्टर था। ओके, अभी आपको देखो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को क्या कर रहा है, हाफ इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है ना, तो दिख रहा है ये देखो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये जो लाइन ACB है वो क्या, वो उसने उसको किस लाइन ने बाइसेक्ट किया, CE ने ना बाइसेक्ट किया, मतलब हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, हमने इसमें दिया था बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर है मतलब हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो कौन कौन सा एंगल है, ACE दिख रहा है, ACE किसके इक्वल होगा, वो ECB के। ये दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल था, हमें इसमें दिया हुआ था स्टेटमेंट में कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का बाइसेक्टर लेना है, बाइसेक्टर मतलब दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा मतलब कौन कौन सा एंगल, ACE किसके इक्वल होगा, ECB के। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसको नंबर क्या देना आपको, थर्ड मैंने लिखा है गिवन में, ठीक है। अब इसके बाद से आप ऑब्जर्व करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल ACE किसके इक्वल है, CDB के। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, ECB किसके इक्वल है, CBD के, और थर्ड वन में क्या लिखा है, ACE इज इक्वल टू ECB, दिख रहा है यहाँ पे ये एंगल ACE और ये एंगल ECB दोनों आपस में इक्वल है ना, हमने थर्ड में क्या प्रूफ किया कि ये और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अगर देखो दोनों का लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो दोनों का राइट पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या मिला कि इन दोनों का लेफ्ट पार्ट इक्वल था, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल CDB किसके इक्वल हो जाएगा, ओके, यहाँ पर देखो क्या था हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमने क्या मिल गया कि ये दोनों का लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो इसका राइट पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। राइट पार्ट में क्या क्या देखो, एंगल CDB, एंगल CDB किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाले एंगल के ना, CBD के, मैंने पहले नाम गलती से कुछ और लिख दिया था तो मैंने कट किया, वो देखो क्या था, CBD। ओके, क्लियर हुआ आपको फोर्थ पार्ट तक। पहले क्या किया हमने, इसको पैरेलल लेकर के ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल मिला हमें, फिर अगेन पैरेलल लिया और CB को ट्रांसवर्सल लिया तो हमें क्या मिला, अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल मिल गया। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमने कहाँ से लाया कि ये एंगल बाइसेक्टर है ना, मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल। अगर इक्वल है तो कौन कौन सा एंगल, एंगल ACE किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ECB के, दिख रहा है आपको ये दोनों इक्वल हो गया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऑब्जर्व करो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या पता चला
कि ये एसीई और ईसीबी आपस में दोनों इक्वल है ना, इक्वल है मतलब इसका जो राइट पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल। तो सीडी भी किसके इक्वल हो गया, सीबीडी के। ओके, इसको नंबर दे दो फोर्थ। अब हमारा एक सेकंड लास्ट स्टेप है, क्या है, एन ट्रायंगल सीबीडी। अब सीडी भी देखो कहां पर है, सीबीडी, सीबीडी। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने ड्रॉ किया था वो ट्रायंगल बन रहा है, देखो सीबीडी। इसमें देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहां पे सीबीडी में देखो ये एंगल सीडीबी, ये वाला एंगल, और देखो हमने ऊपर लिखा था अभी सीडीबी, सीडीबी किसके इक्वल है, सीबीडी के, सीबीडी के। मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, हमने ऑलरेडी प्रूफ किया यहाँ पे। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका जो अपोज, इस एंगल का अपोजिट साइड है ये वाला, और इस एंगल का अपोजिट साइड है ये वाला, वो दोनों भी इक्वल हो जाएगा। पढ़ा रहेगा आपने साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। अगर मान लो यहाँ पे देखो, अगर ये एक ट्रायंगल है और मैं बोलता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, अगर ये एंगल इक्वल है तो इसका जो अपोजिट साइड है ये वाला और इसका अपोजिट साइड है ये वाला, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना हमें। और हमने ऊपर क्या प्रूफ किया था कि जो सीडीबी है, सीडीबी किसके इक्वल है, सीबीडी के, सीबीडी के। तो हम लोग अगर ट्रायंगल सीबीडी में देखते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो इसका जो अपोजिट साइड है सीडी वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के अपोजिट साइड, दैट इज सीबी के। तो लिख दिया हमने, देखो सीबी, इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, सीबी किसके इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड सीडी के, और रीजन क्या रहेगा, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। समझा आपको। नाउ फाइनल स्टेप क्या हमारा, एन ट्रायंगल एबीडी। अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ए बी डी, दिख रहा है आपको पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी। इसमें देखो क्या दिया है, ये जो ईसी था, ये जो ईसी था वो किसके पैरेलल है, डीबी के पैरेलल है ना। पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, अब यहाँ क्या बोला था, ईसी पैरेलल टू बीडी, ये दोनों क्या पैरेलल था, ईसी पैरेलल टू बीडी। अगर देखो ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ऑलरेडी पैरेलल है, ठीक है, अगर मैं अलग से आपको डायग्राम दिखाऊं तो कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिख रहा है ना आपको, अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो कैसा दिख रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डी सी और ये ई, तो दिख रहा है ये पैरेलल। अभी बताओ अगर ये पैरेलल है अपोजिट साइड से तो इसमें हम लोग बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें इसमें सेम क्या अप्लाई करना है, बीपीटी। अब बीपीटी अप्लाई करो तो बीपीटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए अपॉन ई बी, दिख रहा है पैरेलल साइड का अपोजिट वाला, ए अपॉन ई बी किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन सी डी। देखते हैं हमें, देखो यहाँ पे क्या लिखा, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, ये क्या बन गया हमारा, बीपीटी थ्योरम। अब देखो हमने ऊपर, हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करो, टू प्रूफ में क्या चाहिए था, ए अपॉन ई बी चाहिए था, ए अपॉन ए बी मिल गया, इक्वल टू उस साइड क्या चाहिए था, ए सी चाहिए था, ए सी मिल गया हमें, सी ए या फिर ए सी लिख के चलेंगे। ओके, फिर उसके बाद से हमें सी बी और सी डी, यहाँ पे सी बी, इन दोनों को यहाँ पे अगर मैं कैसे भी सी डी को हटा के सी बी ला दूँ तो मेरा प्रूफ मिल जाएगा। अब सी डी कैसे आएगा, देखो हमने ऊपर लिखा था सी डी किसके इक्वल है, सी बी की इक्वल है ना, तो इस सी डी को हटा के वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बी। तो हमारा बन गया जो प्रूफ करना था हमें, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, एंड प्रूफ। तो इसमें टोटल सिक्स स्टेप्स है, वापस मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में आपको स्टेप कैसे याद रखना है। वापस देखिए, पहला, पहले वाले में क्या करना हमें, इस लाइन और इस लाइन को पैरेलल लेना है, और ट्रांसवर्सल किसको लेना है, ये वाले लाइन को। जब ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, रीजन क्या रहेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको नंबर दे दो फर्स्ट। फिर सेकंड स्टेप, वापस इसी लाइन को पैरेलल लेना है, और इस बार ट्रांसवर्सल किसको लेना है, ये वाले लाइन को ट्रांसवर्सल लेना है। ओके, अब इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको एंगल एक जेड बनता हुआ, जेड बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसका रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल। फिर थर्ड में क्या देखा है, थर्ड स्टेप में देखो, ये एंगल बाइसेक्टर था ना, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को, ये एंगल को हाफ ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब एंगल ए सी ई, ए सी ई किसके इक्वल होगा, ई सी बी के, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑब्जर्व करो तो ए सी ई और ई सी बी इक्वल है, दिख रहा है ए सी ई और ई सी बी इक्वल है आपस में, तो इसका जो राइट पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल। ओके, अभी ये इक्वल हो गया तो हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बनाया था हमने ऊपर ट्रायंगल, दिख रहा है उस ट्रायंगल में हमने ऊपर क्या प्रूफ किया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब दिख रहा है बी और डी दोनों एंगल इक्वल है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ किया है। अगर ये इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो सी बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के, ये हो गया हमारा फिफ्थ। रीजन क्या रहेगा, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। उसके बाद से फाइनल स्टेप क्या आना है आपको, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। ओके, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और इसको इसके पैरेलल लेना है। ओके, जो कि था ऑलरेडी, तो अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें ये देखो ये पैरेलल है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बीपीटी ना, बीपीटी थ्योरम अप्लाई करो, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। अप्लाई किया, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, रीजन क्या था, बीपीटी। अब देखो ऑलरेडी ये सेम बन चुका है, सिर्फ ये सी बी और ये जो सी डी है वो अलग अलग है। ओके,
तो अब हमने ऊपर क्या प्रूफ किया, ये जो सी डी किसके इक्वल था, सी बी के ना, तो इस सी डी की जगह हटाए क्या लिख देंगे, सी बी, हो गया हमारा प्रूफ। देख लो एक बार अच्छे से।갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야이.